अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद आरफा चैनल। और मैं हूँ आरफा। आज मैं बनाने वाली हूँ दही बैगन। दही बैगन हमारे घर में बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना घर में बनाना, और टेस्ट करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं आगे देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैगन ले लिया है। बैगन को मैंने अच्छी तरह से गोल शेप में कट करके धो लिया है, ठीक है। और अब मैं इसमें हल्दी को शामिल करूँगी। हल्दी थोड़ा सा बस ऐसे ही शामिल करना है। इसे मैं फ्राई करूँगी। थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। तो हल्दी और नमक को मैंने अच्छी तरह से बैगन में मिक्स कर लिया है, और बैगन मैंने धो लिया था बड़े साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को ले लिया है, और पैन बिल्कुल गर्म है, और इसमें मैं तेल को शामिल कर रही हूँ। तो अब मैं एक एक करके सारे बैगन को इसमें डाल लूँगी और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखें, बड़े साइज़ के थे हमारे बैगन, तो इसे मैंने चार डाला है, और बाकी ऐसे कर रही धीरे धीरे करके फ्राई कर लूँगी। फ्राई कर करके निकालते जाऊँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल को डाल रही हूँ, और तेल गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें फाइन चॉप किए हुए प्याज को शामिल कर रही हूँ। इसे मैं लाल नहीं करूँगी, थोड़ा गुलाबी होने तक चलाऊँगी। तो माशाल्लाह, प्याज जो हल्का सा गुलाबी हो चुका है, और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और प्याज मैंने 1 लिया था, ठीक है। मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को शामिल कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर को शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून गोलकी पाउडर को शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर को शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, और नमक स्वाद अनुसार शामिल कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा मैंने इसके कच्चापन को दूर कर लिया है, और अब मैं इसमें दही को शामिल करूंगी। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, थोड़ी सी दही अभी शामिल करूंगी और बाद में शामिल करूंगी। तो कम से कम मैंने 2 टेबल स्पून दही शामिल किया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
तो माशाल्लाह तेल छोड़ चुका है, मसाला और दही और मसालों की तो बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी को शामिल करूँगी। बैगन को वैसे मैंने फ्राई किया था, तो बैगन तो आप तो जानती है बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो इसमें अब मैं बैगन को डालूँगी, जो भी कसर बाकी है इसमें पूरा हो जाएगा। तो सारे बैगन को अच्छी तरह से अपनी अपनी जगह पे डाल देना है। मैं इसे हल्के हाथों से मसाले में मिक्स करूंगी ताकि बैगन जो है टूट ना जाए, फ्राई करने से बिल्कुल गल जाता है ना। तो अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। 15 से 20 मिनट लगता है इसे पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस आप लोग भी ज़रूर बनाना, हमारे घर में तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं। तो अब माशाल्लाह 5 मिनट हो चुका है और अब मैं देख लेती हूँ इसे। तो माशाल्लाह बैगन तैयार है और अब मैं इसमें दही को शामिल करूँगी। दही को मैंने बोला था ना कि बाद में शामिल करूँगी, तो यही लास्ट टाइम पर दही डालना है, इस वजह से इसका नाम है दही बैगन, ठीक है। तो दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, हल्का रहना चाहिए, हल्का खट्टा, ठीक है। तो अब मैं इसमें बघार लगाऊंगी। तो देखिए मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें मैं ज़ीरा को शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने और 1 टीस्पून सरसों, और इसे डालने के बाद अब मैं इसमें ज़ीरा और सरसों चटकते ही मैं इसमें लाल मिर्च को शामिल करूंगी। तो मसाला चटक चुका है और देख सकते हैं आप, इसे मैं बघार लगा लूंगी। तो दही बैगन यहाँ पे तैयार है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, और हमारे घर में बहुत ही शौक से खाते हैं ना, तो इसलिए मैंने बनाया और आप लोगों को भी शेयर कर दिया। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक टाइम पे बनता है, एक ही टाइम पे ख़त्म भी हो जाता है, चाहे जितना भी बनाओ। आप भी एक बार ज़रूर बनाना और आप सच में 2 रोटी के साथ आप अच्छा खासा ये ले सकते हैं और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाना भूल जाएंगे। एक बार आप बनाकर देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कैसा बनाया और टेस्ट कैसा था, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामुअलैकुम।